गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी स्टडी अबाउट द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ मशीन. दैट इज़ द टेक्निकल टर्म दैट इज रिलेटेड टू द मशीन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ द मैकेनिकल एडवांटेज. सो मैकेनिकल एडवांटेज इज द रेशियो ऑफ लोड टू एफर्ट एंड इट हैज़ नो यूनिट. सो लेट्स सी द फॉर्मूला. मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट. लोड भी यहाँ पर जो है वो फोर्स है और फोर्स की यूनिट जो है वो न्यूटन होती है, और एफर्ट भी जो है वो भी फोर्स है और फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है. तो बेसिकली दोनों यूनिट एक दूसरे को कैंसिल कर देगी और मैकेनिकल एडवांटेज की क्या यूनिट हो जाएगी, कोई भी यूनिट नहीं होगी. क्यों? क्योंकि ये रेशियो है सेम क्वांटिटी का. ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि मैकेनिकल एडवांटेज होता क्या है. यहाँ पर ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसको कि अगर हमको उठाना है या लिफ्ट कराना है तो हमको कितना फोर्स चाहिए, 60 न्यूटन का फोर्स चाहिए. और यहाँ पर कोई ह्यूमन बीइंग है जो कि मैक्सिमम जो फोर्स लगा सकता है वो 5 न्यूटन का लगा सकता है. तो बेसिकली अगर ये पर्सन चाहे इस ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली उठाना तो नहीं उठा सकता. क्यों? क्योंकि ये मैक्सिमम 5 न्यूटन का फोर्स लगा सकता है और इस ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कराने के लिए 60 न्यूटन के फोर्स की ज़रूरत है. तो इस ह्यूमन बीइंग ने इस मशीन की हेल्प लिया इस ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए. तो ये जो रॉड है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो एक सिंपल मशीन है, इसको लीवर भी कहा जाता है. ठीक है, तो ये जो लीवर है, ये रॉड है, वो यहाँ पर एज ए फोर्स मल्टीप्लायर मशीन की तरह एक्ट करेगी. ठीक है, फोर्स मल्टीप्लायर का मतलब होता है ऐसी मशीन जो कि एफर्ट को मल्टीप्लाई कर दे, यानी कि जो कि ह्यूमन बीइंग के एफर्ट को जो है कई गुना बढ़ा दे, उस मशीन को हम लोग फोर्स मल्टीप्लायर मशीन कहते हैं. तो यहाँ पर जो मशीन है उसका मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो 12 है. तो बेसिकली ये अगर मैकेनिकल एडवांटेज 12 है तो इसका ये मतलब हुआ कि ये वाली जो मशीन है वो इस पर्सन का जो एफर्ट है उसको कितने गुना बढ़ाएगी, 12 गुना बढ़ा देगी. मीन्स 12 टाइम इसके एफर्ट को ये मशीन बढ़ा देगी. जितना मैकेनिकल एडवांटेज होगा उतने ही टाइम एफर्ट जो है वो बढ़ जाएगा. अगर यहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज 20 होता तो यहाँ पर एफर्ट भी 20 टाइम बढ़ जाता. ठीक है, बट इस रॉड का और इस लीवर का या इस मशीन का जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो 12 है. तो यानी कि ये जो एफर्ट है ह्यूमन बीइंग का, इस एफर्ट को ये मशीन कितने टाइम बढ़ा देगी, 12 टाइम बढ़ा देगी. तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर फॉर्मूले की हेल्प से देखेंगे कि मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट. सो लोड इक्वल टू एफर्ट इंटू मैकेनिकल एडवांटेज. तो लोड कितना था, 60 था. मीन्स जिस ऑब्जेक्ट को हमको लिफ्ट कराना होता है और उसके लिए जितने फोर्स की ज़रूरत होती है वो लोड कहलाता है. तो यहाँ पर लोड कितना हो गया, 60 हो गया. एफर्ट कितना हो गया, 5. एफर्ट का मतलब जितना ह्यूमन बीइंग या कोई पर्टिकुलर पर्सन मैक्सिमम जो फोर्स लगा सकता है मैनुअली, वो फोर्स जो होता है वो एफर्ट होता है. तो एफर्ट कितना है, 5 है. और ये जो फोर्स मल्टीप्लायर मशीन बीच में यूज़ हुई है उसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना है, 12 है. तो 5 × 12 इक्वल टू 60, यानी कि यहाँ पर जो एफर्ट और मैकेनिकल एडवांटेज का जो प्रोडक्ट है वो भी 60 आ रहा है और जो लोड है वो भी कितना आ रहा है, 60 आ रहा है. यानी कि ये जो मशीन है, ये जो रॉड है, इस रॉड की हेल्प से हम इस ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करा सकते हैं. ठीक है, सेम एग्जाम्पल हम लोग लेंगे. नीचे देख सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो 60, इस ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने के लिए कितना फोर्स की ज़रूरत है, 60 न्यूटन के फोर्स की ज़रूरत है. और ये जो ह्यूमन बीइंग है वो कितनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ लगा सकता है, 5 न्यूटन लगा सकता है. बट यहाँ पे जो रॉड यूज़ की गई है या सिंपल मशीन जो ये यूज़ की गई है वो जो है उसका मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो 10 है. तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये मशीन इस ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करा सकती है. तो हम लोग फॉर्मूले के हेल्प से देखेंगे कि मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट. सो लोड इक्वल टू एफर्ट इनटू मैकेनिकल एडवांटेज. लोड कितना है, 60 है, यानी कि इस ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए कितनी फोर्स चाहिए, 60 चाहिए, वही हमारा लोड है. ठीक है, और एफर्ट इनटू मैकेनिकल एडवांटेज. एफर्ट कितना है, यानी कि ह्यूमन बीइंग कितनी मैक्सिमम फोर्स लगा सकता है यहाँ पर मैनुअली, वो है 5 न्यूटन.
और इस मशीन का जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो 10 है। तो ये जो एफर्ट और मैकेनिकल एडवांटेज का प्रोडक्ट यहाँ पर आएगा 5 × 10 वो आएगा 50, और ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए कितने फोर्स की ज़रूरत है 60। तो 60 इज नॉट इक्वल टू 50, यानी कि ये जो मशीन है वो मशीन इस ऑब्जेक्ट को नहीं उठा सकती। दिस मशीन कैन नॉट लिफ्ट द ऑब्जेक्ट बिकॉज इट्स मैकेनिकल एडवांटेज इज 10। ठीक है, सो नाउ वी विल सी द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन 1। अगर मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 है तो यानी कि ये जो मशीन है वो फोर्स मल्टीप्लायर मशीन है। अगर मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 है तो ये मशीन जो है वो स्पीड मल्टीप्लायर है, और अगर मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 1 है तो ये मशीन जो है वो डायरेक्शन को चेंज करने के लिए यूज़ होगी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये वाला, फर्स्ट वाला, कि अगर मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 है तो ये मशीन फोर्स मल्टीप्लायर हो जाएगी। कैसे फोर्स मल्टीप्लायर हो जाएगी, क्यों? क्योंकि सपोज अगर हम यहाँ पर मान लें कि मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1, तो हमने यहाँ पर मान लिया कि मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो 3 है। अगर मैकेनिकल एडवांटेज 3 है तो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट होता है, तो 3 इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट मीन्स एफर्ट इक्वल टू लोड अपॉन 3 मीन्स एफर्ट कितना है, लोड का 1/3 टाइम है, मीन्स एफर्ट 1/3 है लोड का, और लोड जो है 1/3 एफर्ट लगाकर जो है लोड को उठाया जा सकता है। मीन्स बेसिकली इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पर एफर्ट जो है वो कम है और लोड जो है वो ज़्यादा है, तो कम एफर्ट लगाकर लोड को उठाया जा सकता है। तो ये मशीन किस तरीके की मशीन हो गई, फोर्स मल्टीप्लायर हो गई। इसी तरीके से अगर यहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 है तो ये मशीन जो है वो स्पीड मल्टीप्लायर की तरह वर्क करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये मशीन जो है वो स्पीड को बढ़ाएगी, मीन्स हेवी ऑब्जेक्ट को ये नहीं उठाएगी, ये ऑब्जेक्ट की स्पीड को बढ़ा देगी। और इसी तरीके से अगर मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 1 है तो ये मशीन ना तो फोर्स मल्टीप्लायर है ना तो स्पीड मल्टीप्लायर है, ये ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को जो है चेंज कर देगी।